सो अगेन हम क्या देख रहे थे, हाइजीन। सो हाइजीन में क्या आता है कि बैलेंस डाइट। सो हमारा खाना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वैसा डाइट होना चाहिए। और हमें पानी कैसा पीना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम घर में फिल्टर यूज करते हैं, आरओ ड्रिंकिंग वाटर। सो इससे हमारी हाइजीन मेंटेन होती है। और क्या, पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, मतलब क्या, अभी हमें मास्क यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, इससे हमारी पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन होती है। और हेल्थ बनाने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हमें कसरत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। सो इससे भी हमारी हेल्थ बिल्ट होगी। और हमें डिसीजेस के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कोई छोटा डिसीज हो गया तो तुरंत हमको पता होना चाहिए कि मुझे क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ है या कुछ दूसरा डिसीज हुआ है, तो हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट ले सके। हमें पता ही नहीं चला तो वो बढ़ सकता है और उससे क्या होगा, हाँ हमारे बहुत पूरे बॉडी को इफेक्ट होगा। और हमें जो वेस्ट है उसका प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। हमारे घर का कचरा है जो वो अच्छी तरह से डस्टबिन में रख के उसको विल्लेवाट लगा देनी चाहिए। और हमें डिसीज कैसे होता है, तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर फॉरेन बॉडीज वो अटैक करती है, जो सर बैक्टीरिया कंट्रोल रहता। ऑफ फैक्टर्स मतलब कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स मतलब जो कूड़ा रहता है, कुछ तो गीला रहता है, कुछ तो सूखा रहता है, तो हमको उसको सेपरेट डस्टबिन में रखना है और उनका डिस्पोजेबल करना है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल उसका। क्योंकि हमारे पास तो म्यूनिसिपल या पार्टी के फिर गाड़ी थे। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे वेक्टर्स मतलब किसको नोटिफाई किया गया है, वेक्टर्स का मतलब किसको नोटिफाई किया गया वेक्टर्स मतलब तुमको फिजिक्स में पता ही होगा, स्केलर और वेक्टर। जो डस्टबिन है। होता हाँ है नहीं हमारा, नहीं जो यहाँ पे वेस्ट, बायोलॉजी में। हाँ बायोलॉजी में जो वेस्ट होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक सूखा एक गीला, तो वो टू टाइप का हो अच्छा। गया। तो हमें वो कंपोस्ट बनाने के लिए उसको अलग अलग रखना पड़ता है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स। देन नेक्स्ट, कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे बॉडी पे फॉरेन बॉडीज या बैक्टीरिया अटैक करता है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमारा शरीर उसके साथ लड़ेगा, यस। तो उस फॉरेन बॉडी से हमको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कैसे होता है, टू टाइप्स का इन्फेक्शन होता है, एक होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और दूसरा होता है वायरसेस का इन्फेक्शन। दिख रहा है तुमको? हाँ सर। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी पे वो बैक्टीरिया और वायरसेस अटैक करते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम कम है तो हमको डिसीज होता है, यस। यस। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम की उसकी एक डेफिनेशन है, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारे जो बॉडी पे कोई फॉरेन एजेंट, बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक कर दिया तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसके साथ लड़ती है और हमको प्रोटेक्ट करती है। पर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो हमें क्या होगा, डिसीज होगा, यस। और रेजिस्टेंस माने क्या, अपोज अपोज करती है डैमेज एबिलिटी टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिसीज और डैमेज, यस। और तो इम्यूनिटी क्या है वो हम देखते हैं। सो इम्यूनिटी माने क्या, द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टूवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय द पैथोजेंस एंड द प्रोडक्ट्स। माने क्या, कि हमारी इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया को रेजिस्ट करती है, उनको मारती है,
और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो सब बैक्टीरिया मर जाएंगे और हमें कोई डिसीज नहीं होगा। बट हमारी इम्यूनिटी जब कम है तो वो बैक्टीरिया अटैक करेंगे और हमें डिसीज होगा। समझ में आ गया? सर पैथोजेंस मतलब वो जो बैक्टीरिया है उनके टाइप्स रहते हैं, इधर ऊपर भी है, एंटीजन है, पैथोजन है, वो फॉरेन एजेंट है, उनके टाइप्स है पैथोजेंस एंटीजेंस। पैथोजन मतलब किस तरह के बैक्टीरिया आते हैं पैथोजेंस में? ओ सो उनके साइज पे डिपेंड रहता है, लाइक स्पेसीज। उनके साइज पर डिपेंड है। यस यस तो किस काइंड ऑफ स्पीशीज में आते हैं पैथोजेंस? वो नैनो नैनोमीटर में रहते हैं, माइक्रोमीटर नैनोमीटर्स अच्छा में। हाँ नैनोमीटर। या प्रोडक्ट्स मतलब किस तरह के प्रोडक्ट्स? या या तो वो बोल रहे हैं ना पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स मतलब कैसे प्रोडक्ट्स? यहाँ पे नीचे देखिए हाँ यस यस इंजरी कॉज बाय द पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। एंड देयर प्रोडक्ट्स। हाँ उनके प्रोडक्ट्स मतलब किसको नोटिफाई कर रहा है प्रोडक्ट्स का मतलब? मतलब उनके साथ अदर भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं ना, प्रोडक्ट्स यानी क्या। सो उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है, उनका भी वेस्ट होता है उनके साथ। सो उनके जो सीक्रेट हो गए वो प्रोडक्ट्स। समझ में आ जी गए? जी सर जी सर। ओके सो टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, कौन कौन से है डू यू नो? दिख रहा है इधर? हाँ सर। हाँ इनबॉर्न इनहेरिटेड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। यस सो इनेट और इनबोर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो नाम से भी हमें पता चलता है, इनबॉर्न मतलब क्या, जब हमारा बर्थ होता है तब से ही हमें कुछ इम्यूनिटी हमको आती है, उनको इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं इधर क्या है वो। इधर दिख रहा होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शंस दैट एन इंडिविजुअल पजेस बाय वर्चू ऑफ जेनेटिक मेकअप। हमारे हमारे मम्मी पापा से ही जो इम्यूनिटी आती है उसको क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। सो वो हमारा डिफेंस करती है फॉरेन बैक्टीरिया से, वो हमारी डिफेंस सिस्टम बन जाती है और हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट नहीं कर सकता। दिख रहा है? तो उसमें भी टाइप है, पहला है इफी थेलियल सरफेस। दिख रहा है? नहीं सर। मैं हाँ हाईलाइट करता हूं एपिथेलियल इधर। सरफेस। हाँ ओ इफिथेलियल सरफेस क्या है, द इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट। मतलब क्या, हमारी जो स्किन है, स्किन से क्या होता है, हमारे ऊपर फॉरेन बॉडी एक्टिव कोई अटैक नहीं कर सकती, हमारी स्किन उनके साथ लड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, इपीथेलियल सरफेस। समझ में आ गया? क्योंकि हमारे हाँ सर। बॉडी में स्वेट होता है, पसीना आता है, उससे भी क्या होता है, जो बैक्टीरिया आता है वो मर जाता है। इधर लिखा है स्वेट से, क्योंकि स्वेट में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट से जो बैक्टीरिया है वो सॉल्ट तो होता है। हाँ मर जाता है। और उसमें क्या रहता है, सीबेसियस सिक्रीशन एंड
फैटी एसिड्स। सो उससे क्या होता है, जो फंगी है या बैक्टीरिया है वो टिक नहीं पाता उसमें। तो इससे क्या होता है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, जो भी बैक्टीरिया आता है वो अंदर नहीं आ पाता। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सेबेसियस सिक्रेशन मतलब? सेबेसियस सिक्रेशन मतलब जो हमारा स्वेट आता है वैसे ही हमारे बॉडी से वो सिक्रेट होता है, एक प्रकार का द्रव होता है वो लिक्विड। वो एंटीबैक्टीरियल रहता है, जैसे हम ऐसे गर्मियों में पाउडर यूज करते हैं कोई डर्मिकूल या वैसी। सो ऑटोमेटिकली बॉडी से, बॉडी को पता चलता है कि बैक्टीरिया का अटैक हो गया तो हमारे बॉडी से सिक्रेट होता है वो। देन म्यूकोसा, म्यूकोसा वो कहाँ रहता है, हमारे नाक में रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उससे भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे नोज में इन्फेक्शन कर सकते हैं वो म्यूकोसा उनके साथ लड़ता है और उसको अंदर नहीं आने देता, नहीं तो नाक से पूरे बैक्टीरिया पैथोजेंस हमारे अंदर आ गए तो हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। बट वो म्यूकोसा क्या करता है, उनको प्रिवेंट करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री बंद कर देता है, उनके साथ लड़ता है, उनको अंदर नहीं आने देता। समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये नहीं समझा मुझे किस प्रकार से मतलब इनेट मैकेनिज्म ऑफ। ये देखो ना, इधर हमारे नाक में क्या रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर आ रहा है, अभी आ रहा है, तुम्हारे नहीं था। हेलो। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर बोल। हमारा जो नाक है उसके अंदर हेयर्स रहते हैं, या हेलो हाँ जी सर जी। आ रहा है आवाज? हाँ, हाँ सर आ रहा है। सो हमारे नाक में क्या रहता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा यानी क्या, सुनाई दे रहा है? हेलो।